साहब ठीक तो है? दोपहर से दिल बतला रहा था। क्यों, क्या खाया था आपने? बैंक में भूख लगी थी तो पैटीज मंगवा कर खाए। आज फूड पॉइजनिंग हो गई। भैंशो गुफ्ता, आज मैं तुम्हें सुबह ही सुबह एक बहुत बड़ी खबर सुनाने आई हूँ। समझ गई थी मैं निगत कि जरूर कोई ना कोई बात है। वो मैं तुम्हें कह रही थी ना कि अपने बेटे का रिश्ता तुम हमसे कर दो। हाँ, मगर अब कोई ऐसी बात नहीं है। क्यों, क्या हो गया? कल बहुत अमीर लड़का बहुत बड़ी गाड़ी में शाकिर के घर आया था माहम से मिलने। कौन था वो लड़का? अरे मुझे क्या पता कौन था, लेकिन हाँ माहम ने दरवाजा खोला और दोनों ने कुटपुट की, फिर माहम उसे लेके अंदर चली गई। समझ लो कि दाल में कुछ काला है भाई। अब अपने बेटे का रिश्ता ना कहीं और कर दो बस। सलाम खाला। अरे वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। सुबह सुबह खबर ही लाई होगी, तुम भी तो पूरा अखबार ही हो। भाई मैं जो खबर लाई थी ना मैंने तेरी माँ को सुना थी। अच्छे शगुफ्ता, अब मैं चलती हूँ, मुझे 2-3 घर और जाना है, रास्ते में खा लूंगी। हाँ हाँ। ये बीबीसी रेडियो क्या खबर सुना के गई है? माँ हमका बता रही थी किसी लड़के से उसका ताल्लुक है। हमारी बलास, हमारा इनसे क्या ताल्लुक? तोड़ दूंगी ताल्लुक, लेकिन पहले मैं शाकिर को उसी तरह बेइज्जत करके अपने घर से निकालना चाहती हूँ जैसे उसने मुझे निकाला था। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे कलेजे को ठंड नहीं पड़ेगी जब तक उसे बेबस मजबूर गिड़गिड़ाते हुए अपने सामने ना देख लूं मैं, तब होगा हिसाब बराबर।